नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। दर्जा प्राप्त मंत्री अनिल शर्मा के बिगड़े बोल। मंत्री बोले, बॉर्डर पर बैठे लोग किसान नहीं हैं, गुंडे मवाले बलात्कारी लोग बैठे हैं बॉर्डर पर किसान बनकर। योगी के मंत्री ने किसानों को बताया गुंडा, किसान करते हैं स्वार्थ की राजनीति, आंदोलन की आड़ में हो रहे हैं अपराध, इनको किसान कहना उचित नहीं है। मुनव्वर राणा जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ चले जाएं, मुनव्वर राणा को कोई सुनना पसंद नहीं करता। मुनव्वर राणा के लिए बोले मंत्री, इनको महत्व देना और चर्चा करना ठीक नहीं है। पेशे बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की एक खास रिपोर्ट। सर, मुनव्वर राणा ये कह रहे हैं कि जो है, मैं अगर योगी सरकार बनी तो मैं जो बंगाल चला जाऊंगा। अब मैं इस पे क्या रिएक्शन दे सकता हूँ? ये तो ऐसे लोग हैं जिनका कोई सुनना भी नहीं पसंद करता। अब वो कहाँ चले जाएंगे, कहाँ चले जाएंगे, क्यों चले जाएंगे, इसका क्या मतलब है? किसी व्यक्ति जहाँ रहना हो वहाँ चला जाए बंदा, उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो ये कह रहे हैं, मतलब क्या प्रतिक्रिया है आपकी? वो गलत नहीं, मेरी प्रतिक्रिया मैं तो इसमें जो है ना, प्रतिक्रिया देना भी जो है ठीक नहीं समझता, उसको सुनना भी ठीक नहीं समझता। ये इस टाइप के लोग हैं कि इन पर ज़्यादा चर्चा करना, इनको महत्व देना ठीक नहीं है। मैं इस पर कुछ ज़्यादा, मेरा मतलब ये, ही डजंट डिजर्व कि मैं इनकी किसी एक बात पर मैं कोई बात कहूँ। सर, 8 महीने से किसान रहते हैं, वो किसान है ही नहीं। किसान तो मैं भी हूँ, आप मेरे साथ चलिए मेरे गांव, मेरे पास गन्ना खड़ा है, मेरे पास गेहूँ खड़ा है, और किसान अपने खेत में पूरा व्यस्त है। ये वो लोग हैं जो किसान शब्द का प्रयोग करके किसान का नाम लेते हैं, किसान का नाम लेते हैं और अपनी राजनीति, अपना जो इनका अपना व्यक्तिगत जो इनके हित हैं उनको साधने का काम करते हैं। आपने पिछले अगर 3 महीने घटनाक्रम पर आप दृष्टि डालेंगे, गुंडागर्दी से लेकर के लोगों के साथ मारपीट करने से लेकर के महिलाओं का बलात्कार करने से लेकर के सारे जो अपराधी इस समाज के अंदर काम करते हैं, जहाँ ये लोग इकट्ठा हैं वहाँ ये सारी घटनाएं घट रही हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इनको किसान कहना उचित होगा। चुनाव है अगले 6 महीने में, तो सरकार आएगी और कई आपके सहयोगी हैं, जिन साथ पार्टी के अध्यक्ष हैं वो आपसे खबर हैं, कई सारी चीजें आती हैं उनके बारे में कुछ नहीं। सरकार आएगी विद थम्पिंग मेजोरिटी। मैं बार बार कहता हूँ, फिर आपके सामने इसको रिपीट कर रहा हूँ, जिस तरीके से आदरणीय मोदी जी इस देश के दोबारा प्रधानमंत्री बने, जो 17 में रिपीट हुआ 14 के बाद, वही अब 19 में रिपीट हुआ 14 के बाद, वो वही अब 17 के बाद 22 में रिपीट होने जा रहा है।